Hey guys, this is Rekha. Welcome to Rekha's Kalakriti. ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो है जो आर्ट चुष्पा प्लैनेट के साथ मेरा फर्स्ट पहला कोलैबोरेशन है और जिसके प्राइड ऑफ इंडिया सेगमेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं मधुबनी पेंटिंग लेकर आई हूँ, मधुबनी बिहार के मधुबनी स्थान से और मधुबनी मिथिलांचल के क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा और नेपाल के क्षेत्र में प्रमुख फोक आर्ट है। मधुबनी चित्रकला में सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधे, प्राकृतिक वस्तुओं में शादी, अदालत और ट्रेडिशनल दृश्य इसमें पाए जाते हैं, ट्रेडिशनल पिक्चर्स पाई जाती हैं। मधुबनी में गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे गहरे नीले रंग या रेड कलर ले लीजिए आप, ब्लैक कलर से इनकी आकृतियों को हम उभारते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और कुछ हल्के रंग भी प्रयोग करके इनकी आकृतियों को उभारा जाता है, जैसे पीला रंग, हल्का पीला रंग हो जाए, गुलाबी रंग हो, लेमन कलर, इनसे भी हम आकृतियों को उभार लाते हैं। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मधुबनी आर्ट को और देखते हैं कि ये मधुबनी आर्ट किस तरीके से बनती है। तो हमारा पिक्चर हो गया है। हमने ब्रशेस को पानी में सॉफ्टन करने के लिए सॉफ्ट कर लेंगे और उसका पानी जो है एकदम ही पोंछ देंगे कपड़े में, है ना, पानी को नहीं रखना है और हम जैसे ब्रश हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और कलर करना इजी होगा। फिर हम बॉर्डर करेंगे वाइट कलर से। ये हमारा बॉर्डर कलर हो गया, मेरा ये बॉर्डर और जितने भी बॉर्डर्स हैं, हम जितने भी बॉर्डर आ रहे हैं, ये हमारे बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये जितना ऑर्नामेंट्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब कुछ हम इसको वाइट से कलर कर लेंगे। Thank you.
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर आर्ट चुस्पा चैनल को जिसने मुझे प्राइड ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। थैंक यू सो मच।